भले ही देश और प्रदेश की सरकार शिक्षा का स्तर बेहतर बनाने के नए नए प्रयास करने में जुटी हुई है, लेकिन फरीदाबाद के गांव समीपुर में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में इन दिनों हालत एकदम उल्टे नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, ताजा मामले में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने न केवल प्रधानाचार्य पर अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए, बल्कि फेल कर देने की धमकी देकर विद्यार्थियों से पैसे ऐंठने का आरोप लगाया, जिसकी शिकायत लेकर विद्यार्थी खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय तक पहुंचे। वहीं जब वहां कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई तो मजबूरन बच्चों ने विद्यालय के मुख्य गेट पर तालेबंदी कर दी। बच्चों को शिकायत है, किस पोस्ट पर है गुलाटी सर? यहाँ हेड प्रिंसिपल है गुलाटी जी। सर पहले पीटीआई सर थे, तो मतलब ना तो कोई बच्चा गेट के बाहर खड़ा होता था, कोई भी ऐसी शिकायत नहीं मिली, इतना डिसिप्लिन। लेकिन अब तो पता नहीं क्या हो रहा है स्कूल का। वो तो बहुत अच्छा मास्टर, तो आप देख पा रहे हैं बच्चे, पता है गेम नहीं खिलाते, वो गेम के लिए पीटीआई सर गेम नहीं खिलाते बिल्कुल भी। टाइकमांडो शुरू की थी, वो भी बंद कर दी। बल्लभगढ़ में या गुलाटी सर ने कोई अपनो ट्यूशन एग्जाम को कर रहा है, ट्यूशन को बुलावे तुम्हें बल्लभगढ़? सुन रहे, बेटी ने बुला तो कही बल्लभगढ़, कभी हमसे बोला ही नहीं है इस बारे में, हमसे कभी नहीं। चलो बेटे आपका काम हो गया, चलो क्लास रोल रोल ठीक है। क्या नाम है बेटा? पुष्पेंद्र सर। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सीनियर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल समय पर। क्या मामला आपके साथ, क्या किया मास्टरों ने? पूरे साल तो पीरियड नहीं लगे थे, मैथ साइंस एसएसटी, और वो क्लास में आते थे फेल करने की धमकी देते थे। अब 44 बच्चे फेल करे हैं नाइन्थ क्लास में, और उनमें से 10 बच्चे पास करें रिश्वत लेके। अब हमसे बोलते हैं कि तुम्हें नहीं नाइन्थ में एडमिशन देंगे, नहीं टेंथ में देंगे। अनुज दो बच्चों को बोल रहे हैं कि एक अनुज और एक पुष्पेंद्र को तो पूरे कहीं भी एडमिशन नहीं होगा। और घर वाले जाते हैं तो गाली गलौज दे के बात करता है। क्या नाम है उस मास्टर का? सुशील गुलाटी। आपका क्या नाम है? पुष्पेंद्र। ललिता जी, आज वीडियो में अब दफ्तर पहुँचे हो, क्या है पूरा मामला? ये के बच्चे इनका नहीं तो एडमिशन ले रहे, नहीं पूरी साल पढ़ाते हैं, फिर और डांट मार दें कि तुम तो फेल हो, तुम पढ़ेंगे क्या? और लड़की इनसे बेतमीजी बोलता है मास्टर है जो। कौन सा मास्टर है, कौन सा स्कूल? गुलाटी मास्टर है जी वो, सुशील गुलाटी। तो कौन से जगह स्कूल है? समयपुर में। तो क्या दिक्कत आ रही है इन दिनों? लड़की इनके भाई इनका एडमिशन नहीं ले रहा हूँ, और लड़की इनको बेतमीजी बोल रहा, गाड़ी दे। तो यहाँ पे आपने शिकायत दी, किसको दी आप? आज अपनी शिकायत ये बच्चे दे के आए यहाँ पे। क्या नाम है जी? सुशील कुमार। सुशील मामले, कौन सी जगह सर्विस करते हो? मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी समयपुर में हूँ जी। तो यहाँ आपको कोई शिकायत दिया बच्चों ने, स्कूल में ही पढ़ने वाले बच्चों ने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं कि आप पैसे लेके पास कराने का उन पर दबाव बना रहे थे। ऐसा है सर, बच्चों पे अगर दबाव बनाया जाता या कुछ कहा जाता तो कोई बात भी थी। हमने किसी को कुछ नहीं कहा, बच्चे खुद कहीं कहीं ऑफर देते डोल रहे हैं। हमने एक ही बात कही है कि बच्चा पढ़ोगे तो पास होगे, और जो आपकी पढ़ाई है वो आपके काम आएगी, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करो। बच्चों ने कुछ ब्लैकमेलिंग का भी आरोप लगाया है कि हमें प्रेशर में डाल के हमसे पैसे लेते हैं, ₹200 मांगा जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। छुट्टी करने में फाइन भी लगाते हैं, इसमें कितना कितना सच है? ऐसा कुछ भी नहीं है सर, फाइन वगैरह कोई वो नहीं है रोल उसमें। मैडम, स्कूल में आज बच्चों ने ताला लगाया और बच्चों ने टीचरों पे प्रिंसिपल पे बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या मामला है सारा? सर कल मैंने इनको बोला था कि मैं 9 बजे स्कूल में आ जाऊँगी, पर आप भी उपस्थित थे, लेकिन मेरी इंतजार किए बिना ताला लगाना बहुत गलत बात है। 7:30 बजे इन्होंने स्कूल को ताला लगा दिया, जब हमने इनको आश्वासन दिया था कि हम लोग आ रहे हैं तो इनको इंतजार तो करनी चाहिए, और हम इस मामले की तह तक जा रहे हैं। मामला सिर्फ इतना है कि प्रिंसिपल ने अज्ञानतावश फेलियर बच्चों को दाखला देने से मना किया, अब हमने उनको कह दिया वो सबको दाखला दे। इसका मतलब आप मानते हो कि प्रिंसिपल नहीं, फेलियर है? नहीं नहीं नहीं, अज्ञान ने बच्चों वो अभी अभी डीडीओ बने हैं। क्या मामला है, बच्चों ने आज स्कूल में ताला लगाया? मामला ये है सर कि हम एडमिशन कराए कल बच्चों का, हमारे बच्चा एक फेल हो गया 9वीं में जी, ठीक है जी। तो हमारे सर बोले कि मैं एडमिशन नहीं लूँगा, आप कहीं दूसरी जगह कराओ प्राइवेट में। हम बोले सर हमारी क्षमता नहीं है प्राइवेट में कराने की, हम सरकारी में ही पढ़ाएंगे। नहीं, उसमें करने में करा दो, वहाँ करा दो, उन्होंने ऐसे करके क्लास का एडमिशन है 9th में जी। ये कहानी थी, फिर हमारे घर से आई, उन्होंने से दुर्व्यवहार किया, उन्होंने बदतमीजी से पेश आए, ये कहानी सर। लड़कियों के साथ बदतमीजी की जाती है कि कितना सच है? हाँ जी, ये हकीकत है जी, लड़कियों से कुत्ती कमी नहीं बोलते हैं, चुटिया पकड़ते हैं, गाल पर थप्पड़ मारते हैं,
और लड़कियों की क्लास में जाते हैं तो बोलते हैं कि निकम्बियों की क्लास है। कल इन्होंने शिकायत दी है मैडम को ले जाके, क्या आश्वासन मिला है? अभी तो कुछ मिला नहीं है सर। देखो अभी कर रहे हैं। तो कितने स्कूल के बच्चे हैं जिन्होंने आज स्कूल का ताला लगाया है? 50 ये तो लगभग इतने होंगे जी, 40-50 बच्चे होंगे। धीरज नाम है सर। धीरज क्या हुआ आपके साथ? सर वो हमें स्कूल में सर टॉर्चर किया जाता है पूरी साल के, तुम्हें पढ़ाऊंगा नहीं और तुम्हें फेल कर दूंगा चाहे तुम कितना भी पढ़ लो। और सर बदतमीजी से गाली दे के बात करता है सर हमसे, तमीज़ से बात नहीं करता। और जो बच्चे 11th में पास हुए हैं उन्हें 12th में एडमिशन भी नहीं दे रहा है। और अगर बच्चों ने प्रेशर किया है कि सर हमें एडमिशन दो, हम यहीं से पास हुए हैं, तो उनके खिलाफ सर रिपोर्ट कर दी उसने। उन बच्चों को चौकी में करवा दिया कि मुझे मारने की धमकी देते हैं। और सर गलत बोलता है हमसे, सही ढंग से बात नहीं करते और बोलता है, हमें धमकी देता है कि अगर बाहर से कोई भी अधिकारी आया और तुमने अगर मेरा नाम लिया या मेरे बारे में कोई भी शिकायत की तो फिर मैं तुम्हें SLC हाथ में दे दूंगा। और बच्चों से पैसे उगाता है सर, अगर किसी के बाल बड़े हों थोड़े बहुत तो उनके पैसे लेता है, SLC निकालने के ज़्यादा पैसे लेता है। बट एक ही क्लास से अलग अलग फीस लेता है, किसी से 250 ले रहा है, किसी से 300 ले रहा है ये। और सर कभी डिक्शनरी के पैसे ले रहा है, कभी किसी चीज़ के पैसे ले रहा है। स्कूल में सर स्कूल में पढ़ाता नहीं है और बोलता है कि बल्लभगढ़ में मेरा इंस्टीट्यूट है, वहाँ जाना, वहाँ ट्यूशन लेना, वहाँ पढ़ना, ये प्रॉब्लम है सर। कौन सा स्कूल है सर, समय पर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कौन है वहाँ के प्रिंसिपल? प्रिंसिपल है सर सुशील गुलाटी सर, वही है। तो कब से इस तरह सर, ये एक साल से हो रहा है सर, एक डेढ़ साल से हो रही है सर ये परेशानी हमें। तो आज कितने बच्चे हैं जो शिकायत देना है इनकी? सर हम है 30-35 बच्चे हैं सर। और जी तो क्या यहाँ शिकायत किसको दी है? यहाँ पर एक बीओ मैम है नहीं जी, एक सर और है, उन पे लिखवाई है जी। वो कह रहे हैं कि कल मैम आएंगी, आप कल आओ दोबारा जब बात होगी जी। और मैंने एडमिशन के लिए गया था, 11वीं में मेरी लीड दे दी गई पहले इंग्लिश में, फिर बिना पेपर दिए मुझे पास कर दिया गया। ये कह रहे थे तू पेपर में दे, मैं तुझे री तोड़ दूंगा, री क्लियर कर दूंगा और TC ले लियो। फिर मैंने TC ले ली, मुझे किसी और स्कूल में एडमिशन नहीं मिला। मैंने कहा गुरु जी एडमिशन दे दो या किसी में करवा दो, करवाया भी नहीं। और फिर मुझसे भी चिल्ला के और गुस्से में बात कर रहे थे और गाली दे रहे थे कि बहनचो मैं तुम्हारा एडमिशन करवाऊंगा, वो करवाऊंगा। और मैंने कहा लिखित में दे दो, मैं DO ऑफिस जाऊंगा, तो उसके ये बात भी नहीं लिखी। और जाके रिपोर्ट करवा दी मेरे नाम की, FIR झूठी FIR करवा दी कि मुझे मारने की धमकी दी है, वो दी है। फिर मुझे थाने में बुलाया गया, थाने में ये लिखवा दी गई है मुझसे कि तू अब एरिया में स्कूल के 20 किलोमीटर के एरिया में ऐसे नहीं आएगा जी। और झूठी वो FIR लिखी थी कि मुझे मारने की धमकी दे गया जी, झूठी FIR। और मुझे एडमिशन भी नहीं मिला जी। मैंने सरपंच साहब, ये गांव के स्कूल में आपके में सेनापुर में बच्चों ने ताला लगाया स्कूल पे, कोई मास्टरों की कई कमियां बताई गई हैं, क्या मामला है सारा ये? देखिए बच्चों ने जो स्कूल के गेट पे ताला लगाया गया वो आप ठीक कह रहे हो, ताला लगाया गया और वो गलत ताला लगाया गया, क्योंकि बच्चों को स्कूल का ताला नहीं लगाना चाहिए था। बच्चे कल मेरे पास भी गए थे तो इन्हें आज सुबह का टाइम दिया गया था, मैडम के पास गए तो मैडम ने भी आज सुबह का टाइम दिया था, तो इन बच्चों को इंतजार करना था, बच्चों को पेरेंट्स को। जैसे कि बच्चों ने टीचरों पे बड़े संगीन, लड़कियों ने बड़े संगीन आरोप लगाए हैं कि चुटिया पकड़ के मारते हैं, बदतमीज से बोलते हैं, ये इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं उसका अभी बैठ गए हम, इसी कारण आए हैं हम स्कूल में, बच्चों से भी बात करेंगे और स्टाफ से भी बात करेंगे, जो भी इसका जो जिसकी भी गलती होगी उसे पनिशमेंट दी। स्कूल में तालिबानी कानून लगाने की कोशिश हो रही है बच्चियों का, ये कहना है उनकी ड्रेस कोड को लेकर? नहीं ड्रेस तो बच्चों की ठीक है, ड्रेस का अगर बच्चों की थोड़ी ड्रेस में चेंजिंग की जाती है तो उनके व्यवहार के लिए की जाती है। लड़कियों को कहा गया होगा, बच्चों को लड़कों को नहीं किया गया होगा? बच्चों को एज पर द लॉ ऑफ एजुकेशन आप किसी बच्चे को अपमानित नहीं कर सकते। और ये बच्चियाँ बोल रही है कि जी हमारा अपमान किया जाता है और हमें ना तो संस्कृत के लिए कोई फैसिलिटी दी जा रही है। सर उसी के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, ये सारी समस्याओं का समाधान के लिए इकट्ठे हुए हैं, जो भी कारण होगा उस पर बात की जाएगी और उसका हल किया जाएगा। आपका मेरा नाम रेश है। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? इसी में पढ़ गई हूं 10th क्लास में। नाम बता स्कूल को? अरे ये जरा GS समपुर गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट से सर। और ये है कि हम पीछे में कुछ भी किसी संग बात भी कर रहे हैं हल्की सी तो कहते हैं ये सब कॉलेज में करो, ये सब यहाँ पे मत करो। हम अपने भाई के संग लंच भी करते हैं ना तो बोलते हैं ये सब कॉलेज में चलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं चलेगा।
और हम लोग एक्स्ट्रा क्लास भी लेते तो कहते कि एक्स्ट्रा नहीं चलेगा यहाँ पे, ये नहीं चले। और हमारी जो मैम थी ना वो तो मैम उन्होंने एक्स्ट्रा क्लास के लिए बोला था, तो एक्स्ट्रा क्लास लगाने नहीं दी थी, बोल रहे थे कोई नहीं कोई एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, कोई नहीं पढ़ेगा फलाना टिकना ये सब, पढ़ना है तो एक्स्ट्रा ट्यूशन बाहर लगाओ, यहाँ नहीं पढ़ना है, ये नहीं करना है। और बोल रहे थे तुम टेंथ क्लास ट्यूशन के लिए भी कोई जगह रिकमेंड करते हैं आप लोगों को किसी टीचर से पढ़ना है? टीचर नहीं था, नहीं साइंस का, साइंस का भी अभी आया था 2-3 महीने पहले, टीचर नहीं मैथ का था, नहीं साइंस का था, यहाँ बैठे थे तो यहाँ बैठे थे, यहाँ पे नहीं पढ़ाते थे बस ये अभी है वो यहाँ। क्या नाम है आपका? करुणा। करुणा जी, शिकायत दी है आपने, किस चीज़ की शिकायत दी है, क्या है पूरा मामला? हम जैसे कि एक दिन की छुट्टी मारते हैं ली, उसके 20 रुपए लेते हैं, जैसे कि लीव नहीं भेजी है, लीव भेज देते तो फ़ोन करते घर पे कि आपने लड़की की छुट्टी क्यों मरवाई है वो है, और फिर हमारी जो महीने की फ़ीस जाती है एक महीने की जैसे 90 रुपए जाती है 3 महीने की, तो हमने नहीं दिए, नहीं जाती है तो उसके 100 रुपए अगले दिन ये तो 110 ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। और 9th क्लास में जब हम आए थे तो वर्ब का टेस्ट हुआ था, तो सर ने उसमें ये बोला तुम फेल होगे तो तुम्हारी वो है, तुम फेल होगे तो उसमें मेरी कोई वो नहीं है। और जो बोला तू तेरे पेपर की बात। क्या नाम है आपका? आशा। आशा, क्या हुआ आपके साथ, किस चीज़ की शिकायत देना आज यहाँ पहुँचे हो आप? सर हम स्कूल में हमारे टाइम पे पीरियड नहीं लग रहे हैं, और आज मैं सुबह सो बुलाने गई थी बुलाई सर को, तो कह रहे थे नहीं नहीं आ रहा जा यहाँ से, थोड़ी देर बाद आऊँगा मैं किसी काम में लग रहा हूँ। और हमारे स्कूल में जब भी बुलाने जाते तो कहते हैं हमारे मैं तुम्हारी व्यवस्था में लगाऊंगा, मुझे काम है यहाँ पे, यहाँ से चले जाओ ऑफिस से, मैं जब भी कोई अपने यहाँ किसी को बोलने नहीं देते। अभी हमने 9th मम्मा ने रिजल्ट ऐसा दिया था, और उसके बाद पेरेंट्स घर पर आए तो पेरेंट्स को ऐसी बात से बता दिया कि पेरेंट्स हमारी बात माने नहीं थे, मतलब उनकी नज़रों में हम गलत बना दिए उन्होंने जी। और क्या गाली गलौज करते हैं जी, ऐसे बोलते हमारी क्लास निकम्मी है, डिक्शनरी के लिए पैसे अलग से मंगाते हैं, हर चीज़ के लिए रूल अलग बनाते हैं। तो अब फाइन वगैरह भी डाला जाता, क्या है वो पूरा मामला? हाँ फाइन, जैसे हमारी मंथली फीस होती है जो अगर एक दिन नहीं देते हम तो दूसरे दिन हमारे उससे 20 रुपए बढ़ जाते हैं, उससे बाद नहीं देते उसके बाद और बढ़ जाते हैं पैसे। तो कब से समस्या स्कूल में आ रही है? जब से वो हेड बना है तब से। तो कौन है वहाँ के प्रिंसिपल? सुशील सर है, सुशील गुलाटी, छुट्टियाँ पकड़ता। क्या कहते हैं फिर वो? क्या नाम है आपका? नाम बॉबी है जी। बॉबी, क्या हुआ आपके साथ, कैसे स्कूल से निकाला था, किस वजह से, क्या दिक्कत थी? जी मैं 11th क्लास में पढ़ता था जी, और मेरे साथ कई बच्चे थे, मेरे साथ के 4 बच्चे थे, और उनका नाम भी उनके ये कह दी कि मैं यहाँ एडमिशन नहीं लूँगा, तुम्हारी एक एक में री है। हम पेपर देने गए, री वाले दिन उन्होंने हमसे कहा, हम 4 बच्चों से, कि तुम पेपर मत दो, मैं तुम्हारी री क्लियर कर दूँगा और TC ले लेना। हमने लालच में आके जैसे भी उन्होंने एडमिशन की पहले भी क्लियर मना कर दी थी, हमने नहीं ली और TC ले ली, किसी और स्कूल में जाकर ट्राई किया, हमें स्कूल में एडमिशन नहीं मिला, हम दोबारा आए कि सर हमारा एडमिशन ले लो, या फिर हमें कहीं कोई आपका जानकार टीचर वीचर हो तो आप हमें एडमिशन दिला दो, कहीं हमारा एडमिशन नहीं हो रहा। तो हमें एडमिशन भी नहीं दिया और मुझसे गलत तरीके से बात कर रहे थे, चिल्ला चिल्ला के मैंने उनसे ये कह दिया कि मुझे लिखित में दे दो कि आप एडमिशन नहीं ले रहे, मैं DO ऑफिस जाना चाहता हूँ। तो जी उन्होंने मेरी FIR करवा दी, झूठी FIR लिखवाया है थाने में जाके कि मैं कि मुझे मारने की धमकी दे गया और ज़बरदस्ती एडमिशन के लिए कह रहा था। और जी मुझे फिर थाने में बुलाया गया, वहाँ पर मेरे से ये लिखवा ली, फिर जी वहाँ पर वो बात हुई और ये लिखवाया गया मुझसे कि मैंने मुझ पर गलती होगी, और वहाँ पर ये लिखवा लिया कि स्कूल के 20 किलोमीटर के दायरे में तू हमें दिखियो मत, ये लिखवा लिया गया जी, और एडमिशन भी नहीं ले रही जी हमारा, और बिना पेपर दिए ही मुझे क्लियर कर दिया गया जी। अब आज किसको शिकायत देने पहुँचे हो? और जी आज हम BO उसमें आए जी, स्कूल में BO ऑफिस में आए जी, यहाँ पर टीचर BO मैम नहीं है और एक और सर है, उनके पास हमने लिखित में दे दी है, वो कह रहे थे आप कल सुबह आइए हमारे पास और 9 बजे आपके साथ मैम जाएंगी जी, हम यहाँ आए। और जी 9वीं क्लास की लड़कियों से वहीं एडमिशन के लिए हैं 250 रुपये और वहीं उसी क्लास के लड़कों से इसी साल लिए जी 300 रुपये और डिक्शनरी के लिए भी रुपए मांग रहे हैं जी। और 12वीं क्लास में जो मेरे साथी अब पढ़ रहे हैं जी ये रहे, और इनसे ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ नहीं पढ़ा पाऊँगा, आप मेरे इंस्टीट्यूट आके पढ़ो। और जी पिछली साल भी उन्होंने हमें नहीं पढ़ाया, और जब हम 10वीं में थे जब भी नहीं पढ़ाए थे जी, और अब 11वीं में भी जी पूरी साल से नहीं पढ़ाए जी हम। और जी लड़कियों से बदतमीजी से बोलते हैं जी, लड़कियों से बहुत बदतमीजी से बोलते हैं जी वो।